स्टूडेंट्स आज 15.1 क्वेश्चन नंबर 18 कल 16-17 देख लिए थे, आज 18 राइट। अ बॉक्स कंटेंस 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। ऐसी डिस्क है छोटी छोटी जिसपे 1 to 90 लिखा है, 1, 2, 3, 4 ऐसे 90 डिस्क है, सब पे नंबर लिखे हुए। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से किसी भी एक डिस्क को निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर टू डिजिट नंबर। तो वो डिस्क टू डिजिट वाले नंबर की निकलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। और दूसरा अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उस पर नंबर कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1, 2, 2 जो 4 तो 4, 3, 3 जो 9, 9, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है राइट। फिर अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो जो 5 के टेबल में आता है ऐसा नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो इसको सॉल्व करते हैं राइट। पहले तो टोटल आउटकम्स तो 1 to 90 हो जाएंगे, तो वो लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 18, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें के टोटल आउटकम्स। यह टोटल 90 डिस्क है और सबके ऊपर क्या लिखा है 1 to 18। तो हियर टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क और उसके ऊपर कौन से नंबर दिए, 90, 1 to 90, तो इज इक्वल टू 90 राइट। तो देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स आउटकम्स इज इक्वल टू 90। ये टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90 है, वो कौन सी है विथ नंबर 1 to 90, ये याद रखना है कि 1 to 90 नंबर जिसके ऊपर लिखे हुए, तो वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 90 राइट। अब इस एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स 90 हो गए। अभी फर्स्ट उसमें क्या करना था, तो फर्स्ट वाला ऐसा जिसमें टू डिजिट के नंबर हो, तो वो हम इवेंट बना के करते हैं इसमें कि सपोज, कल जो सिखाई थी वो शॉर्ट मेथड थी, सपोज ए बी द इवेंट द डिस्क ड्रॉन बीयर्स, ये वर्ड्स जो क्वेश्चन में दिए वही लिखते, और टू डिजिट नंबर डिस्क जो हम निकालेंगे वो टू डिजिट के नंबर वाले हो, वो इवेंट को क्या नाम दे दिया ए, क्या नाम दे दिया ए राइट। तो टोटल टू डिजिट वाले नंबर्स कितने हैं, टोटल टू डिजिट्स नंबर्स इज इक्वल टू, तो 1 to 90 में टोटल 90 है, उसमें से वन डिजिट वाले 1 to 9 मतलब 9 है वो माइनस कर दिए, तो टू डिजिट वाले बाकी रहेंगे कितने, 81 राइट। तो देयरफॉर फेवरेबल आउटकम्स टू ए इज इक्वल टू 81। अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 81 अपॉन टोटल आउटकम्स, तो 90। अब ये 9 से डिवाइड करो तो 9 9 जा 81, 9 10 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 9 अपॉन 10, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। अभी उसमें दूसरा क्या दिया है, सेकंड में दिया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हम जो डिस्क निकालेंगे उसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखाओ उसकी प्रोबेबिलिटी राइट। तो उसको इवेंट बी बना दें, सपोज बी द इवेंट, कौन सी इवेंट, द डिस्क ड्रॉन बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ऐसी डिस्क ड्रॉन करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखाई दे, वो इवेंट को क्या नाम दिया बी राइट। तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने, 1 to 90 में देयर आर, कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं
नंबर वो कौन कौन से, तो वो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, एक वन आएगा, टू टू ज़ा फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स, सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन, एट एट ज़ा सिक्सटी फोर, और नाइन नाइन ज़ा एटी वन। फिर टेन टेन ज़ा हंड्रेड, तो नाइन्टी से बड़ा होता है वो, वन टू नाइन्टी में नहीं आता है। तो ये थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन कितने हो गए परफेक्ट स्क्वेयर, नाइन, राइट। तो देयर फॉर फेवरेबल आउटकम्स टू बी इज इक्वल टू नाइन, क्या हो गया नाइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, नाइन टेन ज़ा, तो वन अपॉन टेन। तो देयर फॉर पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वन अपॉन टेन, वन अपॉन टेन, राइट। अब उसमें थर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी, वो थर्ड प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी कि जो नंबर मिले डिस्क पे वो फाइव से डिविजिबल हो, कैसा हो फाइव से डिविजिबल। तो उसको सपोज करते हैं कि सपोज सी बी द इवेंट, द डिस्क ड्रॉन, डिस्क निकालेंगे बेयर्स पे, बेयर्स मतलब दिखाई देगा कौन सा नंबर, बेयर्स अ नंबर डिविजिबल बाय फाइव, फाइव से डिविजिबल हो ऐसा नंबर उस पर आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ऐसे फाइव से डिविजिबल नंबर कितने हैं, देयर आर टोटल डिविजिबल नंबर 18 होंगे, 18 नंबर डिविजिबल बाय फाइव, कौन कौन से है वो, तो वो लिखते हैं देखो कौन कौन से है फाइव से डिविजिबल। तो फाइव के टेबल में जो आए हो, फाइव टेन, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स ज़ा, फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव, फाइव एट ज़ा फोर्टी, फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव, फाइव टेन ज़ा फिफ्टी, फाइव इलेवन ज़ा फिफ्टी फाइव, फाइव ट्वेल्व ज़ा सिक्सटी, सिक्सटी फाइव सेवेंटी, सेवेंटी फाइव एटी, एटी फाइव और नाइन्टी, ये हो गए। तो ये सारे डिविजिबल नंबर है फाइव से, राइट। ये कितने हैं, एटीन है, कितने हैं एटीन। तो देयर फॉर फेवरेबल आउटकम्स टू सी इज इक्वल टू एटीन, राइट। अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो बी ऑफ सी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो एटीन फाइव ज़ा, तो एटीन फाइव ज़ा, तो वन अपॉन फाइव, तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वन अपॉन फाइव, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी है, राइट। सिर्फ जो नंबर दिए कि फाइव से डिविजिबल वो तुम्हें पता होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वेयर वो तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा देखो, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज सिक्स फेसेस, डाइज है उसके ऊपर सिक्स फेसेस होते हैं, वहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं है, वहाँ पे ये लेटर दिए ए बी सी डी ई और ए डो पर, ऐसे डाइस है। तो द डाइस थ्रोन वंस, एक बार डाइस को थ्रो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए आए उसकी प्रोबेबिलिटी और ऊपर डी आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो टोटल आउटकम्स तो सिक्स है, तो सिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएगा सिक्स टोटल आउटकम्स, पर उसमें ए कितनी बार है, दो बार है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी टू अपॉन सिक्स हो जाएगी, और डी वन टाइम है तो उसकी वन अपॉन सिक्स हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। सोल्व करते हैं इसे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पे सिक्स नंबर्स दिए हैं, राइट। तो देर आर सिक्स लेटर ऑन डाई, therefore total possible outcomes कितने हो जाएंगे, total possible outcomes in this experiment is equal to 6, total outcomes कितने हो जाएंगे 6। पहले total outcomes सर क्वेश्चन में लिख देना है सॉल्व करके, राइट। अब उसमें फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर में ए ऊपर आया,
टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 लेटर, वो कौन से? ए बी सी डी ई एंड ए, ये थे राइट। तो अब उसमें फर्स्ट वाले में ऊपर जो ए आए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ए तो यहाँ पे इवेंट बनानी है सपोज, तो ए तो यहाँ है तो ए नहीं लिखते, सपोज पी क्यू आर लिखते हैं, आर बी द इवेंट, आर बी द इवेंट। तो इवेंट क्या होगी कि द चाइल्ड गेट्स ए टू फेसेस ऑफ द डाई, डाई को थ्रो करे तो ऊपर क्या मिलेगा? ए राइट, फेसेस ऑफ द लेटर डाई राइट। अब ये जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो इसके ए वाले फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? ए यहाँ दो बार है राइट, तो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू, क्योंकि ए दो बार है राइट। अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, देयरफॉर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स टू अपॉन टोटल आउटकम 6, तो 1/3, तो देयरफॉर पी ऑफ आर इज इक्वल टू 1/3 क्या हो जाएगा? 1/3, यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। अब उसमें सेकंड में क्या दिया था? डी, डी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी, इसको भी इवन सपोज करते हैं, सपोज Q ले, Q be the event, Q be the event, right? The child gets D, D child फेच करे उसकी probability, तो D तो एक ही है, only one face of the डाई सोज डी राइट, एक ही बार है, तो देयर फॉर द फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट क्यू इज इक्वल टू 1, तो देयर फॉर अ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ क्यू इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम 6, तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, क्या था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ स्टार दिया है, ये स्टार का मतलब होता है एग्जामिनेशन के व्यू से नहीं दिया है, मतलब ये नहीं पूछ सकते, पर हमें सभी करना है, ऐसे पूछते हैं बार बार एग्जामिनेशन में, ऐसे क्वेश्चन आए हैं एक दो बार राइट, पर पॉसिबिलिटी कम होती है। यहाँ पे दिया, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, ये रेक्टेंगल है इसके ऊपर डाई को डालेंगे, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इनसाइड द सर्कल, तो वो सर्कल के अंदर गिरे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? सर्कल का डायामीटर दिया है 1 मीटर, इसका डायामीटर दिया है 1 मीटर डायामीटर राइट, तो ये टोटल आउटकम्स ये पूरा रेक्टेंगुलर और फेवरेबल आउटकम्स सिर्फ सर्कल, ये लेना है हमें राइट। ये टोटल आउटकम्स मतलब यहाँ कहीं भी गिर सकती है, पर हमें यहाँ गिरे उसकी फाइंड करनी है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स इतना एरिया और ये पूरा एरिया टोटल आउटकम्स हो जाएगा राइट। तो देखो ऐसे ही करते हैं, ये इसका पहले तो एरिया फाइंड कर देंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ से, और इसका भी एरिया फाइंड कर देंगे, ये एरिया टोटल आउटकम्स और ये एरिया फेवरेबल आउटकम्स। तो पहले तो वही लिखते हैं कि द डाई, डाई जो डालेंगे इज इक्वली likely to land, equally likely to land anywhere, मतलब कहीं पे भी गिर सकती है, anywhere in rectangular region, rectangular area में कहीं पे भी equally likely possibility same है कहीं पे भी गिरने की राइट। तो उसका एरिया फाइंड कर देते हैं, एरिया ऑफ एंटायर मतलब पूरा रीजन
वेयर डाई कैन लैंड, LANDE लैंड, राइट। तो ये डाई पूरे एरिया में गिर सकती है, वो एरिया कितना होगा, तो वो इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ थी 3 and 2 meters दी हुई है, राइट। तो 3 × 2 = 6 meters square, ये उसका एरिया हो गया पूरे रेक्टेंगल का, मतलब ये इतने एरिया में कहीं पे भी डाई गिर सकती है, राइट। पर फिर उसमें सर्कल दिया है तो उसका भी एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, 5r square। आर मतलब रेडियस, पर हमें यहाँ पे डायामीटर दिया है तो पाई तो एज इट इज, और रेडियस डायामीटर 1 दिया है तो रेडियस उसका हाफ होता है, तो रेडियस 1/2 whole square, राइट। देयर बिकॉज डायामीटर इज इक्वल टू 1 meter, 1 meter डायामीटर हो तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, 1/2, 2 से डिवाइड करो डायामीटर को तो रेडियस मिलता है, राइट। अब ये पाई एज इट इज रहेगा और ये 1 का स्क्वायर, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो पाई अपॉन 4 meter square क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 meter square। अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डाई जो है वो सर्कल में गिरे उसकी, तो देयर फॉर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ, डायरेक्ट लिखते द डाई लैंड्स इनसाइड द सर्कल, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी द डाई लैंड्स इनसाइड द सर्कल, तो इनसाइड द सर्कल, तो इनसाइड द सर्कल का फेवरेबल आउटकम्स तो पाई अपॉन 4, ये अपॉन टोटल आउटकम्स, तो टोटल कितना है उसका, 6 meter square, कितना है 6 meter square, राइट। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो पाई अपॉन 6 × 4 = 24, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। तो आज यहाँ तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20, ओके।